हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। तो आज की जो वीडियो है वो एक ही स्पेशल टॉपिक के रिलेटेड है। और यार सीन कुछ ऐसा है कि तकरीबन 40 साल की मेहनत के बाद, या कहा जाए कि 40 साल के बाद, मेहनत तो क्योंकि हम लोग करते नहीं है, तो 40 साल के बाद फाइनली पाकिस्तान के पास ओलंपिक का गोल्ड मेडल आ चुका है। और ये रिसारा का सारा सीन जो है वो अरशद नदीम की बदौलत हुआ है, क्योंकि कल के दिन में अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा चुके हैं। यार 32 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक में कोई मेडल भी जीता है। सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अरशद नदीम और पूरी पाकिस्तानी आवाम को भी, कितने साल बाद पाकिस्तान की तरफ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया। बाकी कल के दिन में जो विन है अरशद नदीम की, इसी के ऊपर अब इनको काफी ज्यादा इनामात वगैरह दिए जा रहे हैं और इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। और यार अरशद नदीम की विन के ऊपर काफी ज्यादा यूट्यूबर्स वगैरह और एक्टर्स वगैरह के रिएक्शन वगैरह भी आ रहे हैं। और यार अरशद नदीम की इसी विन के ऊपर काफी ज्यादा यूट्यूबर्स एक्टर्स वगैरह के रिएक्शन वगैरह भी आ रहे हैं, जैसे कि जुनैद अकरम जो है वो ये वीडियो शेयर करते हैं। भाई साहब, फाइनली पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आ गया। और आखिरी गोल्ड मेडल आया था 92 में। और भी चीजें आई थी, ज्यादा बोलूंगा तो बगैर ऐप वाली ऊबर आ जाएगी और उसका कैप्टन वाकई में कैप्टन होता है। चढ़ते सूरज के सब पुजारी हैं, अब सब आ जाएंगे कि जी हमने कुश्ता खिलाया था, हमने ट्रेनिंग कराई थी, हमने एक्सरसाइज कराई थी। कोई बोलेगा जुल्फिकार फार्मेसी की गोली काम आ गई, कोई बोलेगा हमने सांडे का तेल दिया था। ये सिर्फ अरशद की जीत है और किसी की नहीं है। जो क्लेम करेगा खली अली, अरशद नदीम के पापड़ बनाओ, अरशद नदीम के हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दो, सब कर दो, वजीर आजम मत बना देना, हो गया ना, मियां चुन्नू का मेयर बना दो, बहुत है। खल्ली वल्ली क्या उसने परफॉर्मेंस, ये क्या उठा के फेंका यार, मतलब 92 उधर भी 92, हर जगह 92 चल रहा है भाई, कंट्री कोड भी 92। खैर बड़ा मजा यार, बड़ी खुशी हुई, फाइनली रोते धोते आंसुओं को खुशी मिली, खुशी के आंसू मिले। और मियां चुन्नू में क्या ही जश्न मनाया जा रहा होगा। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू अरशद नदीम, गेट बैक होम, पार्टी करेंगे और आपको थोड़ा लस्सी वस्सी पिलाएंगे, मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रेनिंग और अच्छी कर ले। आने वाले वक्तों में नीता अंबानी ओलंपिक का वादा लेकर आई है कि 2036 में लूंगी, 2036 में हमें 36 और ओलंपियन चाहिए, इंडिया में भी जाके जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्ली वल्ली कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान, प्राउड ऑफ यू अरशद नदीम। बाकी जुनैद अकरम के अलावा हमजा बट्टी का कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के सामने आया था। ओलंपिक रिकॉर्ड बन चुका है भाई, ही इज गोइंग टू विन इट, कम ऑन भाई, गोल्ड है, इंशाल्लाह, दिस इज गोल्ड। 92 मीटर्स किसी ने नहीं किया, ओलंपिक रिकॉर्ड हो चुका है ये। और यार दानियाल शेख एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर ओवरवेल्म्ड टू सी अरशद नदीम गेटिंग गोल्ड मेडल, आई हैव नो वर्ड, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी इसके अलावा प्रोटा का कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के सामने आया था। अरशद भाई उसकी यादें मेरे दिल से ऐसी उठा के बाहर फेंक दो, कोई बोल रहा है अमेरिका फेंक दो, कोई बोल रहा है मुझे कनाडा फेंक दो, कोई बोल रहा है कर्जा मुल्क से बाहर फेंक दो। अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस हालात में जो हमें ये जो आपने खुशी दी है ना इतनी बड़ी, क्योंकि जिससे मैं मिल रहा था 14 अगस्त, हाँ यार मनाएंगे, हाँ यार नहीं मनाएंगे, ऐसे हुए हैं मुल्क के हालात, ऐसे जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे, तो ये थोड़ा गमगीन सूरत हाल चल रही थी बहुत। और अरशद भाई ने जो है ना वो गोल्ड मेडल लिया यार पाकिस्तान के लिए, क्या बात है यार, तो क्या ही बात है यार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई आपका, आपकी इतनी मेहनत, आपकी इतनी लगन, और हम लोग जीत गए। और एक एक इंसान अरशद भाई नहीं जीते, ये पूरे पाकिस्तान का उन्होंने सर फखर से ऊपर कर दिया है, ऊंचा कर दिया है। थैंक यू सो मच अरशद भाई, थैंक यू सो मच। और यार प्रोटा के अलावा मार्स सफदर ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा, भाई साहब गोल्ड मेडल पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम थैंक यू। और यार मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तरफ से 50 मिलियन PKR का रिवॉर्ड जो है वो अरशद नदीम के लिए अनाउंस किया गया है। तो 50 मिलियन PKR तो काफी बड़ी रकम है, तो देखते हैं कब तक इन्हें मिल जाती है। बका FM रेडियो गेमिंग का कुछ ऐसा रिएक्शन सामने आया था। कांग्रेचुलेशन, फाइनली पाकिस्तान जीत चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, पाकिस्तान का प्लेयर अरशद भाई जीत चुके हैं ओलंपिक में, पहले नंबर पे आ चुके हैं, गोल्ड लेके आ गए हैं, बड़ी खुशी हुई है। मैं लाइव स्ट्रीम पे था तो सब पाकिस्तानियों को भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट ओलंपिक में भी अपनी होगा गोल्ड मेडल। लव यू एवरीवन एंड हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद। FM रेडियो गेमिंग के अलावा इंस्पायर्ड एनालिस्ट ने भी ये वीडियो शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह सजदा कर रहा है मेरा बंदा, अल्लाह का बंदा सजदा कर रहा है, पाकिस्तान के पास गोल्ड मेडल आफ्टर 30 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह यार, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया। आज अरशद भाई आपको हम क्रिप्टो में लेके आएंगे, आपके लिए 1 इथेरियम का वादा किया था आपको, 1 इथेरियम देंगे हम आप।
मगर बात अगर रिवॉर्ड्स वगैरह के रिलेटेड चली रही है तो अली शेखानी की तरफ से भी एक अल्टो कार जो है अरशद नदीम को देने का अनाउंस किया गया है। तो अरशद नदीम को तो काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, मगर सबसे बड़ा रिवॉर्ड जो है वो तो खैर उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। और यार इसके अलावा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी पोस्ट शेयर करते हुए कहा ब्रावो अरशद, हिस्ट्री में पाकिस्तान फर्स्ट ओलंपिक में जेवलिन चैंपियन। यार बाबर आजम ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा आफ्टर 30 लॉन्ग ईयर्स द गोल्ड इज बैक इन पाकिस्तान, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम फॉर दिस इनक्रेडिबल अचीवमेंट, यू मेड द एंटायर नेशन प्राउड। यार मुबीन का जो है वो भी कुछ ऐसा रिएक्शन सामने आया था। अरशद नदीम ने जो कर दिया है ना आज, यकीन करो हम लोग इतना चिल्लाया अंदर कि उन्होंने बोला कि भाई प्लीज आप बाहर जाके कर लेंगे, फिर हम बाहर आए, ये सेलिब्रेशन थी। अब इसकी वजह से कितना बूस्ट मिलेगा इस स्पोर्ट को और इसके साथ साथ दूसरे गेम्स को, यार इस पर काम करो, ये असल खुशी देती है मुल्क को, ये भाई स्पोर्ट्स में आगे जाना। हमें अभी एक आया मेडल, इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा ज़्यादा चाहिए हमें मेडल, 22 करोड़ के वहाँ में यार 22 करोड़ में से 100 लोग गिन जा सकते हैं। हमें छोड़ो जो और सारे लोग हैं ना, क्रिकेट को छोड़ो और बहुत से स्पोर्ट्स हैं उस पर तवज्जो देने का वक्त है भाई, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो रिएक्शन तो दिखाने को खत्म नहीं होंगे, लेकिन एक और रिएक्शन दिखा देता हूँ फिर वीडियो को खत्म करता हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि कुछ साल पहले जब अरशद नदीम नए नए डिस्कवर हुए थे ओलंपिक वाली फील्ड में, तो उस दौरान वकार जका ने जो है वो इनको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दिए थे जो कि उनके उस टाइम मेडल वगैरह जीतने के ऊपर थे। तो अब इसी सारे सीन के रिलेटेड वकार जका ने भी कुछ वीडियोज वगैरह शेयर की है और वो कहते हैं जब कोई भी इन्हें सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा था उस वक्त वकार जका जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो वकार जका क्या कहते हैं आप लोग खुद सुन ले। आज क्या हुआ है, आज अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत गया है और बीच में ना अब सब आ जाएंगे, हम इसको इतने पैसे देते हैं, हम इसको ये देते हैं, हम वो देते हैं, हम यूं करते हैं। याद रखें वकार जका ने अब ये बड़ाई मारने की बात नहीं है, बात ये है कि हम डेटा पे चलते हैं, जो बंदा मेहनत कर रहा होता है तुक्के में उस पर पैसे नहीं लगाते हम, वहां हमेशा वकार जका, चाहे क्रिप्टो हो, स्टॉक हो या किसी बंदे को सपोर्ट करना हो, जिस बंदे में टैलेंट होगा उसका डेटा एनालिसिस करके सही तरह प्रिडिक्शन देना कि हाँ यार ये कुछ कर सकता है तो इस पर पैसा लगाया जा सकता है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर का विजन। लेकिन अभी तो खैर पाकिस्तान में घर की मुर्गी दाल बराबर कर दिया जाएगा। आई एम हैप्पी कि जिस बंदे को मैं 5 साल से सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ बातों से नहीं, ट्वीट से नहीं, मैं ये नहीं करता था दुआ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो भाई फाइनेंशियली क्या सपोर्ट कर रहे हो, अब सब आ जाएंगे। और खुदा के वास्ते ये मत करना कि इसको अपनी टी शर्ट पहना दी, अपना सब कुछ पहना दिया, इसको खड़ा कर दिया, इसके बाद खड़े करके तस्वीरें ले रहे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो अभी की तो वीडियो इतनी थी, मगर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।